उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मसाज पार्लर में काफ़ी समय से चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। बुधवार की रात पुलिस ने मसाज पार्लर पर छापा मारकर देह व्यापार करने वाले 6 युवतियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मसाज पार्लर से कई सामान बरामद किए गए। देखिए, कल रात थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि एक ब्लॉसम स्पा सेंटर है, जिसमें स्पा सेंटर के नाम पर कुछ अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इसी संबंध में जब एक डिकॉय लगाकर एक व्यक्ति को वहाँ भेजा गया तो उसने इस खबर की पुष्टि की, तो हमने अपने सिपाही को वहाँ पर भेजकर इसका जो है खुलासा किया। जब वहाँ पहुँचे तो दबिश दी, तो वहाँ पर कुल 8 व्यक्ति हमें वहाँ मौजूद मिले, 6 महिलाएं और 2 पुरुष। उनके साथ पास से कुछ इस प्रकार की चीज़ें बरामद हुई हैं, जिससे कि ये प्रूव होता है कि वो अनैतिक देह व्यापार में इन्वॉल्व थे। इनके पास से फोन मिले हैं, कुछ निरोध मिले हैं, कुछ शक्तिवर्धक कैप्सूल मिले हैं और कुछ अन्य सामान मेकअप का मिला है। देखिए, जो 2 संचार जो मेन ओनर जो हैं, जिनके नाम पे स्पा सेंटर है, वो लोग हापुड़ के रहने वाले हैं और महिलाएं जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से, गाजियाबाद, नोएडा, बिहार, राजस्थान, जयपुर की।